और ये देख सकते हैं दोस्तों अभी बिल्लू वहाँ पर बैठा हुआ है। बिल्लू सोच रहा है बॉस ये क्या हो गया है। बिल्लू तो दोस्तों डिस्पेडिशन में चले गया है। और दोस्तों अभी भी आप लोग संभल जाओ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और दोस्तों प्रकृति बोल रही है अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने बोला ना पिक्चर अभी बाकी है, तो चलते हैं अभी सीधे ऊपर की ओर, लेट्स गो। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है गुबरी गैंग के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ समय पहले हमारे गांव में एक बाढ़ आई थी, जिस बाढ़ में काफ़ी कुछ तबाह हुआ है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि उस बाढ़ में जो हमारा ये जंगल है, अभी हम शाम के समय पे जंगल में आए हुए हैं और हमारे इस जंगल में जो जो नुकसान हुआ है वह हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही में ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वो बादल काफर फटा था, क्योंकि हम भी पहली बार देखेंगे ना दोस्तों कि वो बादल काफर फटा है। और बिल्लू आज हम उस जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। और बिल्लू काफी टाइम के बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो तेरे को कैसा लग रहा है? मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा, मजा दिल तो एकदम गार्डन गार्डन हो रहा। अरे बिल्लू क्या बोले, मजा तो मेरे को भी आ रहा है, पर अभी फटाफट चलते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि उस दिन क्या क्या जो है नुकसान हो रहा है। चलते हैं फिर सीधे। ओ बाबरे बिल्लू, यहाँ तो जंगल का नक्शा ही चेंज हो गया है। हाँ बहुत। और बिल्लू वहाँ पर एक बड़ा पत्थर था, वो भी गायब हो गया देख। हाँ वो भी बह गया होगा। ओ बाबरे बिल्लू, इसका मतलब 8 मई की रात को यहाँ भी काफी भयानक बाढ़ आई थी यार। बाबरे उतना बड़ा पत्थर भगा के ले गया यार। ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा पत्थर था, वो भी गायब हो गया है। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये गधेरा जो है काफी छोटा था, भी काफी चौड़ा हो गया और साथ ही में काफी गहरा भी हो गया है दोस्तों, ये देखिए। और इतने बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी चलते हैं फटाफट ऊपर की ओर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हमारा नहाने वाला स्विमिंग पूल था और साथ ही में ही दोस्तों गाय बच्चों का पीने वाले प्राकृतिक स्रोत था, वो बचा है नहीं बचा या क्षतिग्रस्त हो गया ये दोस्तों देखते हैं। फटाफट चलते हैं ऊपर की ओर और फटाफट निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि भालू भी आ सकता है, बाघ भी आ सकता है दोस्तों। हाँ और यहाँ पर बैठ चुका है, चलो फटाफट चलते हैं क्योंकि शाम का समय है, कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। फटाफट चलते हैं वरना दोस्तों जो जंगली जानवर आएगा ना वो बोलेगा ये एप्पल एप्पल रेड रेड एप्पल बोलेगा। तो चलते हैं फटाफट ऊपर की ओर। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर हैं जहाँ पर जो है दोस्तों गाय बच्चों का पीने वाला पानी प्राकृतिक स्रोत था। और दोस्तों प्राकृतिक स्रोत अब नहीं रहा, वो क्षतिग्रस्त हो गया है दोस्तों। वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और ये देख सकते हैं दोस्तों अभी बिल्लू वहाँ पर बैठा हुआ है। बिल्लू सोच रहा है बॉस ये क्या हो गया है। बिल्लू तो दोस्तों डिस्पेडिशन में चले गया है। और दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल था दोस्तों, वो स्विमिंग पूल गायब हो गया। वो स्विमिंग पूल के जगह दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है, ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल था करके एक निशान बना देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे करके इसके ऊपर एक पत्थर रखते हैं और इसके ऊपर एक और पत्थर रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल था, जब भी इस पत्थर को देखूंगा मेरे को याद आ जाएगा। और दोस्तों अभी भी आप लोग संभल जाओ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और दोस्तों प्रकृति बोल रही है अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने बोला ना पिक्चर अभी बाकी है, तो चलते हैं अभी सीधे ऊपर की ओर, लेट्स गो। दोस्तों अभी हम हैं रास्ते पर और दोस्तों ये देख सकते हैं इस रास्ते से दोस्तों गाय बैल जाते थे और अभी ये रास्ता जो है दोस्तों पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस रास्ते में दोस्तों अब आपको जो है पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। और दोस्तों ये देख सकते हैं कितनी भयानक बाढ़ आई होगी, जिस बाढ़ में दोस्तों देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। और दोस्तों अभी चलते हैं ऊपर की ओर, लेट्स गो। ओ बिल्लू देख सकता है ये वो जगह है जहाँ पर बादल फटा था और कितना भयानक यहाँ पर का मंजर है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है बादल फटा था और कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर हो रखा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही में कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर ही फटा था, क्योंकि दोस्तों हमने इसके ऊपर को देख लिया है, इसके ऊपर को एकदम नॉर्मल है। और यहाँ पर ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है और इतने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों बादल यहाँ पर ही फटा था और यहाँ पर ही काफ़ी भयानक बारिश हुई है। और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर से फिर नीचे को अगर आप यहाँ से नीचे को मंजर देखेंगे आप भी बोलेंगे ओ माय गॉड। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से नीचे को मंजर देख सकते हैं। और साथ ही में हमारे साथ कुलदीप भी आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों शाम का समय है, अभी कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। अगर बाघ आ गया तो बाघ बोलेगा
अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो बिल्लू देख यहाँ पर का मंजर कितना भयानक हो रखा है। और दोस्तों एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। और वृक्षारोपण करेंगे तो दोस्तों साथ ही में संरक्षण भी करना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।